बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है चिकन हांडी। इसे हम थोड़ा अलग स्टाइल में बनाएंगे क्योंकि हम इसमें लास्ट में स्मोक देने वाले हैं, तो रेसिपी को ज़रूर लास्ट तक देखिए। चिकन हांडी और चिकन कढ़ाई में थोड़ा डिफरेंस होता है। मेन डिफरेंस तो ये है कि जो चिकन कढ़ाई होती है ना, वो उसकी जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी थिक होती है, और जो हांडी होती है ना उसकी ग्रेवी थोड़ी पतली होती है, इसलिए उसको चिकन हांडी बोला जाता है। और हल्के फुल्के मसाले थोड़े इधर उधर तो रहते ही है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 8 से 10 सूखी लाल मिर्ची डाली है और 15 से 20 काजू लिए हैं, और उसे हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। अच्छे से रोस्ट हो जाने के बाद में हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे इस तरह से। ज़्यादा एकदम पाउडर नहीं करना है, बस कोर्सली इसको ग्राइंड कर लेना है। इसके बाद ना हम इसमें ऐड करेंगे डाइस्ड किए हुए टमेटोज़ मैंने 5 से 6 लिए हैं, और इसे भी हम इसे पेस्ट बना के ले लेंगे। अब हम लेंगे एक हांडी। अब चिकन हांडी बन रही है तो हांडी इज़ नेसेसरी। तो अब इसको मैंने अच्छे से हीट कर लिया, और इस पर मैं 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करूँगी। आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। अब हम घी में एक तेज़पत्ता डालेंगे। इसमें ज़्यादा खड़े गरम मसाले यूज़ नहीं करना है। अब मैंने इसमें डाला है 4 बड़े चॉप किए हुए अनियंस। कांदे को मैंने एकदम बारीक चॉप करके ले लिया था, अब वो हम इसमें ऐड कर दिए। हमारे कांदे को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, लाइक ब्राउनी शेड नहीं करना है, हल्का सा पिंक से थोड़ा सा ज़्यादा हो, क्योंकि हमें हमारी ग्रेवी ना एकदम डार्क कलर में नहीं चाहिए, मतलब थोड़ी सी ब्राउनी शेड में चाहिए, ज़्यादा मतलब एकदम रेड ऐसी नहीं चाहिए। तो इतना मैंने कांदे को लाल कर लिया है। और इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सूखे मसाले, जिसमें 2 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है। और इसे हम अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे थोड़ा सा, ताकि जो मसाले वो कच्चे ना रह जाए। देखिए इस तरह से जो मैंने मिक्स किया है, और ये हमारे मसाले अच्छे से इसमें कोट हो गए जो अनियंस में। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 किलो अच्छे से वॉश किया हुआ चिकन, ये बोन्स के साथ है। तो अब इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया है, और सारा चिकन ऐड कर लेने के बाद हम जो मसाला है ना वो चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो फ्लेवर्स है वो सारे चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छे से मिक्स भी हो जाइए। अब हम चिकन को ढक के पका लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। और 10 से 15 मिनट के बाद हम चेक कर रहे हैं, चिकन ऑलमोस्ट पक चुका है, 90% तो ये पक गया है। अब ना इस टाइम पर हम इसमें जो पेस्ट बनाया था ना हमने टमेटोज़ और चिली का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और उसे भी अच्छे से मिक्स करके ना थोड़ा भून लेंगे। देखिए मैंने इसमें अभी तक बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया है, जब तक कि हमारे सारे मसाले पक ना जाए ना, तो हमें इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अब जैसे मैंने मतलब ये मिक्स किया, तो उसके बाद में जो मिक्सर था ना उसका रिंस किया हुआ पानी मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा फ़िलहाल के लिए। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पतली चाहिए तो आप इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अब मैंने इसमें नमक ऐड किया है स्वाद अनुसार। अब मैंने थोड़ा सा ना ऊपर से 1 टीस्पून घी डाला है, क्योंकि जब भी आप पीसे हुए मसाले यूज़ करो ना तो वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेते, जो तरी होती है ना आपके ग्रेवी की, वो तो आपको ऊपर से घी या ऑयल थोड़ा सा ऐड करना होता है ताकि वो ऊपर तरी आए। और फिर मैंने इसको ढक के थोड़ी देर के लिए कुक किया, एक बॉयल आने तक। और देखो चिकन ने अपना पानी छोड़ा, और फिर बाद में ये एकदम मॉइस्ट और एकदम जूसी हो गया है। अब इस टाइम पर ना हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी क्रश की हुई, और हरा धनिया, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो फ्लेवर कसूरी मेथी का और गरम मसाले का है वो अच्छे से जो ग्रेवी है उसमें इन्फ्यूज़ हो जाए। और अब हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है, इसे हम ढक देंगे। बस एक चीज़ हमें करनी बाकी है इसमें, जो स्मोक लगाना है कोल का। अब मैंने यहाँ पे 2 से 3 पीस कोल के ले लिए हैं कोयले के, और उसको मैंने डायरेक्टली गैस पे रख के उसको हीट कर लिया, जब तक कि एकदम लाल ना हो जाए। और साइड बाय साइड ना हम हमारी ग्रेवी में एक छोटी स्टील की कटोरी भी रख लेंगे, आप एल्यूमिनियम फॉइल से भी बना सकते हो इसे। और फिर देखिए हमारा जो कोल है वो एकदम लाल हो गया है, और हम इसको ना डायरेक्टली उस कटोरी में ग्रेवी के अंदर रखेंगे इस तरह से। अच्छे से सारे कोयले को प्लेस करने के बाद हम इसे घी का स्मोक देंगे। घी का स्मोक ही देना, आप ऑयल का स्मोक दोगे तो इसमें अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। तो मैंने इसमें घी का स्मोक दिया, और फटाक से हमें ढक्कन को रख देना है, ताकि जो सारा जो धुआं निकला है ना वो अंदर ही इसके एब्जॉर्ब हो जाए, और 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है इसी तरह। और उसके बाद हमारी ग्रेवी पूरी तरह से बन के रेडी है। आप इसे राइस, रोटी या नान के साथ एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।